दोस्तों मैं रुचि यादव आज मैं लेकर आई हूँ लौकी के कोफ्ते। वैसे हर किसी को लौकी पसंद नहीं आती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही फीकापन होता है, लेकिन मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार लौकी कोफ्ता करी बताने वाली हूँ जिसमें रहेगा भरपूर मात्रा में जायका। अगर आप एक बार इस तरह से ट्राई करेंगे ना तो आपको क्या आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं लौकी के कोफ्ते। यहाँ पे आधा किलो लौकी है ली है, इसे अच्छे से देखिए कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ पे लौकी पानी छोड़ रही है तो इसे इस तरह से हाथों से दबा देंगे, अच्छी तरह से इसका पूरा पानी निकाल देंगे। मैंने हाथों को पहले ही वॉश कर लिया था अच्छी तरह से, देखिए इस तरह से पूरा हम पानी निकाल देंगे। लौकी का पानी नहीं निकालेंगे तो हमारी कोफ्ते अच्छी नहीं बनेंगे, और ये पानी ज़्यादा छोड़ते हैं इसलिए हमें पानी निकालना पड़ता है। मैं इसी तरह से सारी लौकी का पानी निकाल देती हूँ। देखिए इतना सारा पानी निकला है लौकी में, आप इसे फेंकिए या नहीं, इसका जूस बना के इसे छान के पी सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है। तो मैं इसे हटा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे सोखते से हो गए हैं, बिल्कुल पानी अच्छी तरह से निकल गया है। चलिए इसमें हम मिक्स कर देते हैं। मैंने यहाँ एक कटी हुई प्याज ली है, दो हरी मिर्च ली है कटी हुई, धनिया हरा कटा हुआ, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच यहाँ पे लिया मैंने धनिया। अब यहाँ पे डालूंगी मैं बेसन, तो मैंने यहाँ पे बड़ी वाली चम्मच ली है तो इस चम्मच से मैं 6 चम्मच बेसन डालूंगी। तो अभी सबसे पहले मैं जार डाल रही हूँ, अच्छे से इसे मिक्स करने के देखते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो और डालेंगे। इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लें, आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं पर हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं इसलिए मैं हाथ का यूज़ कर रही हूँ इसमें। इसमें अभी थोड़ा सा बेसन और जाएगा तो मैंने यहाँ पे जो बचा के रखा था 2 चम्मच उसको डाल देती हूँ। याद रखें यहाँ मैंने बड़ी चम्मच का यूज़ किया है। इसे अच्छी तरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे, देखिए आप देख सकते हैं हमारा मिक्सर तैयार हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि नमक तभी डाला ही नहीं है, तो नमक आप जब कोफ्ता बनाएंगे तभी डालेंगे, वरना ये ज़्यादा से पानी छोड़ने लगेगा और ये गीला हो जाएगा तो हमारे कोफ्ते सही से बन नहीं पाएंगे, कोई सा आकार ले नहीं पाएगा। इसलिए मैंने इसे यहाँ पे मैं आधी चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, अच्छे से मिला देती हूँ नमक को मैं। मिल गया है तो मैं इसे इसका अच्छे से एक बॉल बना लूंगी, छोटी से छोटा साइज। मैं इसे इस आकार में दे दूंगी। मैंने एक यहाँ पे एक बॉल बना ली है छोटी सी, आपको अपने साइज से कुछ भी ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं, छोटा, कोई भी साइज। इसी तरह से सारे कुर्ते बना दूंगी। देखिए सारे कोफ्ते बनके तैयार हो गए, मैंने इन्हें बाउल की साइज में दे दिया है। तो चलिए फटाफट इसे कढ़ाई में निकाल लेते हैं, इन्हें तेल में तल के। मैंने पहले से तेल को गर्म करके रखा है, चलिए तेल बढ़िया सा गर्म हो गया है तो इसमें मैं डाल देती हूँ कोफ्ते, तो एक एक करके डालना है। देखिए मैंने सारे कोफ्ते डाल दिए हैं, मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। मैंने यहाँ पे सभी को देखिए पलट दिया है, बहुत अच्छा कलर भी आ गया है। यहाँ पे तेल में कढ़ाई पहले से ही था तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले डालते हैं आधा चम्मच जीरा, और जीरे के साथ ही डाल देंगे यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट।
उससे तीन सात अच्छी तरह से हम उसे भून लेंगे। चलिए इसी के साथ डाल देते हैं हम इसमें, मैंने यहाँ एक प्याज लिया था उसको भी इसमें रन कर लिया है, तो अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे। मैंने यहाँ पे एक अदरक का इसका टुकड़ा लिया था। ये तो प्याज भून गई है, तो फिर यहाँ पे मैंने दो टमाटर लिए हैं उसको भी मैंने इसी तरह से मिक्सी में पीस लिया है, इसे भी मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और नमक पहले भी ऐड कर चुकी हैं तो आपको याद ही होगा, तो यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। यहाँ पे मैंने आधी चम्मच का नमक का यूज़ किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप एक बार और याद दिला दें, यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं मिक्स में ग्राइंड किए हुए और 2 टमाटर भी लिए हैं, यहाँ 4 से 5 लहसुन की कोटी ली है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसे अच्छी तरह से हम पका लेंगे, बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बिल्कुल लाल टमाटर लिए हैं पके हुए, इसमें कलर भी बहुत अच्छा आता है और इनका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे लाल टमाटर पके हुए लिए हैं। टमाटर की चीज़ को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से तेल ना छोड़ दे। देख सकते हैं टमाटर थोड़ी देर में पकने वाला है, तो कोफ्ते को और भी मज़ेदार बनाने के लिए मैं यहाँ पे डालूँगी 1 चम्मच बेसन। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे बढ़िया सा, वैसे भी टमाटर की पूरी के साथ पकने देंगे। चलिए इसी के साथ हम मसाले भी डाल देते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच धनिया लिया है और 1/2 चम्मच यहाँ मैंने हल्दी लिया है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको कश्मीरी पाउडर डालना है तो वो डाल सकते हैं, बट नहीं डालना है तो कोई बात नहीं है, अपने तो वैसे ही मज़ेदार बनने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच लिया है खटाई पाउडर, नमक पहले ही डाल चुके हैं, ये सारे मसाले डल चुके हैं, अच्छी तरह से हम भूनेंगे। यहाँ पर मैं मसाले भूनने के लिए आधा कप पानी का यूज़ कर लूँगा, फिर मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है और अच्छी तरह से मसाले को हम भून लेंगे। अब इसे मैं 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर। देखिए यहाँ पे मसाला भी अच्छी तरह से भून गया है, आप देख सकते हैं तेल छोड़ दिया है ऊपर, मसाला भी तैयार हो गया है। बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही कम समय लगता है, इस तरह से आप भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, इस तरह से बना के तो देखो पहले। चलिए इसमें हम डालते हैं कोफ्ते, हमने यहाँ पे सारे कोफ्ते डाल दिए हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसमें इतना ही पानी डालूँगी कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए बढ़िया से और पक जाए। मैंने यहाँ पे 2 कप पानी डाला है, इसे मैं ढक के पका दूंगी, कम से कम इसे 3 से 4 मिनट ढक कर पकाऊंगी, बस एक ही बार पकाना है। यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो खुद को एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है बढ़िया सा कलर आ गया है और पक के भी तैयार हो गए हैं। इसमें धनिया डाल देती हूँ और मैंने एक हरी मिर्च काट के डाल दिया थोड़ा सा और क्रिस्पी बनाने के लिए,
अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। बस एक ही मिनट पकाना है। चलिए कोफ्ते पक के तैयार हो गए हैं, मैंने गैस ऑफ कर दिया है। देखिए बढ़िया से कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। फटाफट कुछ ही समय लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, मामूल से समय लगता है बनाने में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं इसे आपको चेक करके ही बता देती हूँ। कितने सॉफ्ट बने हैं, देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। आप भी ज़रूर इसी तरह से बनाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।